नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त के बीच तो आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आपके एस एस का एग्जाम चल रहा है और आने वाले समय में जो आपके एन टी पी का लेवल दो तीन और पाँच के लिए एग्जाम प्रस्तावित है उसके लिए जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे सी एच एस एल में तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो शुरुआत में हम लोग जो प्रश्न आपके सी एच एस एल के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम लोग इस टॉपिक से जुड़े हुए जो अन्य प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय अनकेडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास हो रही है और ये जो लाइव क्लास है आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो दिन में 12 बजे हम लोग 2021 के जो विभिन्न परीक्षाओं में करंट अफेयर आ चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं रात की जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें हम लोग टी के द्वारा एस एस सी जी डी एस एस सी सी एच एस एल सी जी एल या फिर जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को करते हैं डिस्कस तो क्लास के बाद में आपको यहाँ पर आपकी लाइव रैंक भी देखने को मिल जाती है कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही उत्तर दिया है ये भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है और लास्ट में 10 मिनट आपको समय दिया जाता है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकें तो यहाँ से आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनकेडमी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी उस पर क्लिक करिए और आप मुझे अनकेडमी के ऊपर फॉलो कर लीजिए सारी जो क्लासेज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलती है तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अनकेडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या फिर अनएकेडमी के किसी भी कोर्स पर आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग आइए हमारे देश में जो आर्ट क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है कथक उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग असम में चलेंगे असम का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है सतरिया असम के बाद में यहीं पर मणिपुर है और मणिपुर का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है मणिपुरी फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको उड़ीसा मिलेगा ध्यान रखिएगा उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है ओडिसी उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है इसका नाम है भारत नाट्यम। उसके बाद में आप केरल में चलेंगे तो केरल के पास में दो क्लासिकल डांस हैं यानी कि यहाँ पर दो क्लासिकल डांस फेमस हैं एक का नाम है मोहिनीअट्टम और दूसरे का नाम है यहाँ पर कथकली और आखिरी जो हमारा क्लासिकल डांस है वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य का है और इस डांस का नाम है कुचिपुड़ी तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में जो क्लासिकल डांस हैं इनकी संख्या टोटल आठ है लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि हमारे यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यानी कि जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अनुसार क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है तो ये संख्या बढ़कर के हो जाती है नौ आपने छ डांस के बारे में सुना होगा किसके बारे में छ डांस के बारे में जो कि आपके पश्चिम बंगाल उड़ीसा और झारखंड में किया जाता है तो हमारे यहाँ का जो संस्कृत मंत्रालय है उसके अनुसार छ भी एक क्लासिकल डांस है तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब जो प्रश्न आपके सी एस में पूछे गए हैं उनको हम लोग पहले करते हैं डिस्कस। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि 2019 में पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो नर्तकी नटराजन है ये हमारे कौन से डांस से संबंधित हैं तो ध्यान रखिएगा नर्तकी नटराजन की बात करें तो ये आपके भरतनाट्यम के डांसर हैं और इनको 2019 में भारत सरकार के द्वारा पदमश्री पुरस्कार दिया गया था अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ तो ध्यान रखिएगा पंडित बिरजू महाराज से वैसे भी कई सारे प्रश्न आ चुके हैं सी में अगर हम लोग बिरजू महाराज की बात करते हैं तो ये हमारे कथक के डांसर हैं ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है के प्रसिद्ध संगीत और नृत्य गुरु मैसनॉम अमोबी सिंह किस राज्य से संबंधित हैं तो ध्यान रखिएगा ये हमारे मणिपुरी क्लासिकल डांस के गुरु थे और ये आपके मणिपुर राज्य से संबंधित हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति जो हैं ये आपके कौन से डांस से संबंधित हैं तो यामिनी कृष्ण मूर्ति की बात करें ये हमारे भरतनाट्यम की फेमस डांसर हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि पंडित शंभू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य के घराने से है आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं उनके ये चाचा हैं तो शंभू महाराज जी की अगर हम बात करते हैं तो ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट तो कत्थक में आपको लखनऊ घराना देखने को मिलेगा जिसमें आपके कई सारे फेमस डांसर हैं जैसे कि ईश्वरी प्रसाद हो गए नवाब वाजिद अली शाह हैं लच्छू महाराज हैं बिरजू महाराज हैं सुष्मिता बनर्जी हैं तो ये सारे हमारे कत्थक डांस से रिलेटेड हैं और ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित हैं अगला प्रश्न है कि जतिन गोस्वामी को 2008 में किस डांस में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये जो डांस है उसका नाम है सतरिया यानी कि असम का जो क्लासिकल डांस है जिसे हम लोग सतरिया के नाम से जानते हैं उस डांस में योगदान के लिए जतिन गोस्वामी को पद्मश्री पुरस्कार 2008 में मिला था सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस डांस को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिया गया था तो अगर आपसे कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि हमारा पहला क्लासिकल डांस कौन सा है या हमारे देश का सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है दोनों ही स्थिति में आपका उत्तर होगा भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है ये हमारे भारत का सबसे पुराना है तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो स्रोत है जिसे हम लोग नाट्यशास्त्र कहते हैं इसके राइटर कौन है तो ध्यान रखिएगा नाट्यशास्त्र नाम की जो पुस्तक है इसे लिखा है हमारे भरत मुनि ने किसने भरत मुनि ने तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि राजा चक्रधर सिंह का जो संबंध है वो आपके कौन से डांस घराने से है तो ध्यान रखिएगा गोंड डायनेस्टी के हमारे राजा थे जिनका नाम है किंग चक्रधर सिंह और ये आपके रायगढ़ घराने से संबंधित हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो रायगढ़ गढ़ाना है ये आपके कत्थक से जुड़ा हुआ है और इसके संस्थापक हमारे राजा चक्रधर सिंह थे अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सविता मेहता कौन से डांस से संबंधित हैं तो सविता मेहता की बात करें ये आपके मणिपुरी डांस से संबंधित हैं यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य से संबंधित जो हमारे पंडित बिरजू महाराज हैं इनके गुरु का नाम क्या था तो ध्यान रखिएगा इनके गुरु का नाम था अच्छन महाराज और ये ना केवल इनके गुरु थे बल्कि इनके पापा भी थे तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पिताजी आपके गुरु हो जाते हैं तो आपकी जो जिंदगी है वो वैसे भी बदल जाती है तो पंडित बिरजू महाराज के जो हमारे गुरु थे इनका नाम अच्छन महाराज है और ये इनके पिताजी थे तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट अगला अगला प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुणेल हमारे कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं तो रुक्मणी देवी अरुणेल की बात करें ये आपके भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं किससे भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं नाम इनका रुक्मिणी देवी अरुणेल है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह इनमें से कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं तो सोनल मानसिंह के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये आपके दो डांस के परफॉर्म में निपुण हैं कौन सा है तो पहला हमारा भरतनाट्यम है और दूसरे का नाम है उड़ीसी तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा करक अगला प्रश्न है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये आपके कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं ये सारे प्रश्न सी एस एस एल के ही हैं जो कि पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दोनों आपके कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं किससे कुचिपुड़ी डांस से ये संबंधित हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करण तो देख सकते हैं ये दोनों पति पत्नी हैं और ये आपके आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और कुचिपुड़ी डांस में ये पारंगत हैं अगला प्रश्न है कि पंकज चरण दास हमारे कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं तो पंकज चरण दास की बात करते हैं ये आपके उड़ीसी डांस से संबंधित हैं तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ये आप लोग देख सकते हैं गुरु पंकज चरण दास इनका नाम है और इन्हें आपके उड़ीसी डांस का पिता भी कहा जाता है तो उड़ीसी डांस में जो सबसे बड़ा नाम है वो आपके गुरु पंकज चरण दास जी का ही रहा है अगला प्रश्न है कि झवेरी बहने यानी कि दर्शना रंजना नैना और सुवर्णा ये आपके कौन से डांस से संबंधित हैं तो ये प्रश्न एज इट इज आया था सी में और ये प्रश्न एज इट इज हम लोगों ने किया भी था तो झवेरी बहनों की बात करें ये हमारे मणिपुरी डांस से संबंधित हैं ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट तो ये आप लोग देख सकते हैं ये चार बहनें हैं जिनका नाम है दर्शना रंजना नैना और सुवर्णा और ये इनके गुरु हैं जिनका नाम गुरु विपिन सिंह है तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि प्रतिभा प्रहलाद कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं तो प्रतिभा प्रहलाद की बात करें ये हमारे भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट ये देख सकते हैं ये आपकी प्रतिभा प्रहलाद हैं जो कि भरतनाट्यम डांस से संबंधित हैं इसके अलावा जो दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल है उसकी ये फाउंडर डायरेक्टर भी रही हैं अगला प्रश्न है कि कत्थक के लिए प्रसिद्ध बिरजू महाराज हमारे कौन से घराने से संबंधित हैं तो बिरजू महाराज इनके चाचा लच्छू महाराज इनके पिता अच्छन महाराज इनके एक चाचा और हैं शंभू महाराज ये सारे हमारे लखनऊ घराने से संबंधित हैं यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट तो आपको ध्यान रखना है कई बार इसे कालका बिंदाडिन घराना भी कहा जाता है ये आपके लखनऊ घराने का ही नाम है तो लखनऊ के अंतर्गत जो कालका बिंदाडिन घराना है उससे हमारे पंडित बिरजू महाराज संबंधित हैं अगला प्रश्न ये अभी आपके सीजीएल एग्जाम में आया था कि नट्टू वनार आपके कौन से नृत्य गायन संचालन करता है यानी कि जो आपका ये डांस परफॉर्म किया जाता है उसमें एक व्यक्ति होता है जो कि आपके आदेश या निर्देश देता है उसी के अनुसार जो हमारा डांसर है वो परफॉर्म करता है तो इस डांस का नाम है भरतनाट्यम ध्यान रखिएगा कि जो भरतनाट्यम नाम का डांस है उसको संचालन करने के लिए एक व्यक्ति होता है और उसी व्यक्ति का नाम है नट्टू वनार तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि माधुरी अम्मा किस प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो माधुरी अम्मा की बात करें ये हमारे मोहिनी अट्टम की फेमस डांसर हैं। किसकी मोहिनी अट्टम की हैं? तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंद्राणी रहमान और रागनी देवी कौन से डांस से संबंधित हैं ध्यान रखिएगा कि रागनी देवी आपकी मम्मी हैं और इंद्राणी रहमान इनकी बेटी हैं और ये दोनों जो माँ बेटी की जोड़ी है ये आपके चार प्रकार के क्लासिकल डांस में पारंगत थी तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहला डांस है भरतनाट्यम दूसरा डांस है कुचिपुड़ी तीसरा डांस है उड़ीसी तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट तो रागनी देवी की अगर हम लोग बात करें वैसे इनका जन्म आपके अमेरिका में हुआ था लेकिन इन्होंने स्वयं को भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथकली और उड़ीसी में निपुण किया और इनकी जो बेटी हैं जिनका नाम इंद्राणी रहमान है इनकी बेटी भी भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कथकली और उड़ीसी में पारंगत थी अगला प्रश्न है कि सोवना नारायण कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित हैं तो सोवना नारायण की बात करें ये हमारे कथक के फेमस डांसर हैं यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है तो ये केरल से है ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है तो मोहिनी अट्टम भी केरल की है बी यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट अगला प्रश्न है कि डैश डैश एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है तो ये डांस आपका कथक है भक्ति काल से ये चला हुआ आ रहा है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि मोहिनी मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये आपके कौन से राज्य में लोकप्रिय है तो मोहिनीअट्टम हमारे केरल में है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य डैश डैश का शास्त्रीय नृत्य शैली है तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्न है जो इस साल सीजीएल में पूछा गया था कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है तो ध्यान रखिएगा सिद्धेंद्र योगी का ये जो प्रयास है वो आपके कुचिपुड़ी डांस के लिए था तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट तो इस प्रकार से जो भी हमारे संभावित प्रश्न थे या जो आपके सी एस एस एल के एग्जाम में पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यानी कि कथा के बाद जो प्रसाद का वितरण होता है वो मैंने पहले कर दिया है अब आइए थोड़ा सा हम लोग कथा भी सुन लेते हैं क्योंकि कथा से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक एक करके आइए डांस के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं और फिर इससे जुड़े हुए जो डांसर हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे कथक की तो कत्थक हमारे उत्तर प्रदेश का डांस है आपको ध्यान रखना है कि गांव में जो आपके मंदिर वगैरह होते थे यहाँ पर जो हमारे डांसर हैं उनके द्वारा पौराणिक कथाओं की कहानी सुनाई जाती थी और उसी दौरान यहाँ पर डांस किया जाता था पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के समय इसका सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ था और बीसवीं शताब्दी में लीला सोखी को इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है लीला सोखी के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कत्थक नाम का डांस है इसको इन्होंने रिवाइव किया था ज्यादातर जो आपकी पौराणिक कहानियां होती हैं कत्थक में ये हमारे राधा कृष्ण के ऊपर आधारित होती हैं कत्थक के हमारे प्रमुख घराने भी हैं जैसे कि बनारस घराना जिससे जानकी प्रसाद और सितारा देवी संबंधित हैं रायगढ़ घराना है जिसके संस्थापक राजा चक्रधर सिंह थे लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद नवाब वाजिद अली शाह लच्छू महाराज बिरजू महाराज सुष्मिता बनर्जी हैं जयपुर घराना जो है उसमें भानु जी कानू जी और हरिप्रसाद ये सारे हमारे कत्थक डांस से संबंधित हैं कुछ अन्य नर्तकों की बात करें तो सितारा देवी शोभना नारायण शर्मिला शर्मा राजेंद्र गंगानी ये सारे हमारे कत्थक से जुड़े हुए डांसर हैं फिर बात करेंगे मोहिनी अट्टम की तो आपने जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समय जब आपका अमृत निकला था तो उसी समय हमारे जो भगवान विष्णु हैं उन्होंने मोहनी का अवतार लिया था और उसी से जुड़ा हुआ ये कुछ डांस है तो भगवान विष्णु का अवतार है मोहनी उसी से इस डांस का नाम लिया गया है मुख्य रूप से ये जो हमारा डांस है वो महिलाओं के द्वारा अकेले किया जाता है और हमारे एक मलयालम कवि थे जिनका नाम वी एन मेनन है और आपकी जो कल्याणी अम्मा हैं इन दोनों ने इस डांस फार्म को रिवाइव किया था तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपके मोहिनी अट्टम के सबसे प्रसिद्ध डांसर हैं अगर हम इस डांस की बात करते हैं तो हमारा जो म्यूजिक है इस डांस के दौरान वो आपका कार्नेटिक म्यूजिक होता है और मणि प्रवलम भाषा के जो गाने होते हैं उसके ऊपर डांस यहाँ पर किया जाता है चलिए आपके लिए एक प्रश्न है नीचे कमेंट में मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो मणि प्रवलम भाषा है यानी कि लैंग्वेज है ये आपके कौन से भाषाओं से मिल के बनी है बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अट्टम की तो जया मेनन कलामंडलम सुंदर सुनंदा नायर माधुरी अम्मा के क्षमावती ये सारे हमारे अट्टम के डांसर हैं फिर बात करेंगे कथकली की तो कथकली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपके केरल का ही डांस है केरल के कुछ हमारे अलग अलग डांस हैं जैसे कि रामनत्तम कृष्ण कृष्णअट्टम इन सारे डांस से मिल करके इसका निर्माण होता है ध्यान रखिएगा कथकली में जो आपके डांसर होते हैं वो अपने चेहरे को रंगते हैं तो ये आपके चेहरे की रंगाई वाला जो काम है ये केवल कथक कली डांस में किया जाता है रामायण महाभारत और पुराण की जो कहानियाँ होती हैं उन्हीं कहानियों के ऊपर ये डांस किया जाता है और जो हमारे कवि एन मेनन हैं उनको इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से समूह में ये डांस किया जाता है प्रसिद्ध नर्तकों की बात करें तो रीता गांगुली गोपीनाथ कोट्टाकल शिवरामन और गुरु कुंचू कुर्प ये सारे जो हमारे नर्तक हैं ये कथक कली डांस से संबंधित हैं फिर बात करेंगे भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है नंदी केशोर के द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है अभिनव दर्पण वहाँ पर भरतनाट्यम के बहुत सारे स्रोत आपको देखने को मिलेंगे ये जो डांस है वो भी एकल मुद्रा में ही किया जाता है और यहाँ पर जो डांसर होते हैं उनके द्वारा कई सारी भूमिकाएं निभाई जाती हैं स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे ई कृष्ण अय्यर हैं इनके द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया था और रुक्मणी देवी अरुणेल जो हैं कौन रुक्मणी देवी अरुणेल जो हैं उसके द्वारा इस डांस को वैश्विक पहचान दिलाई गई थी प्रमुख नर्तकों की अगर हम बात करें तो हमारी जो मल्लिका सारा भाई है लक्ष्मी विश्वनाथन हैं रुक्मणी देवी अरुणेल हैं सोनल मान सिंह यामिनी कृष्णमूर्ति प्रतिभा प्रहलाद मृणालिनी साराभाई और पदम सुब्रमण्यम ये सारे भरतनाट्यम डांस से ही संबंधित हैं फिर बात करेंगे सतरिया की तो सतरिया के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पंद्रहवीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हमारे एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु शंकर देव तो इन्हीं के द्वारा इस डांस को शुरू किया गया था और ये भी आपके भक्ति आंदोलन से ही प्रेरित था मुख्य रूप से जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते थे उनके द्वारा ये डांस आपके बौद्ध मठ में किया जाता था तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सतरिया जो हमारा डांस है ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ भी डांस है इसके नर्तकों की बात करें तो जतिन गोस्वामी श्रीमंत शंकर देव मधु स्मिता बोरा ये सारे हमारे सतरिया डांस से संबंधित हैं आगे बात करेंगे मणिपुरी डांस की तो मणिपुरी डांस की बात करते हैं जब आपके मणिपुर में लाई हरोबा नाम का त्यौहार है तो उस दौरान इस डांस को परफॉर्म किया जाता है भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन के ऊपर आधारित जो भी हमारी पुरानी कहानियाँ हैं या जो भी पौराणिक कहानियाँ हैं उन्हीं के ऊपर यह डांस किया जाता है आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं गुरु जी इनके द्वारा शांति निकेतन कलकत्ता में भी इस डांस की प्रदर्शनी करवाई गई थी और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है बाकी अगर हम लोग डांसर की बात करते हैं मणिपुरी की तो आपको ध्यान रखना है झवेरी बहने निर्मला मेहता सविता मेहता और गुरु विपिन सिंह ये आपके मणिपुरी डांस से संबंधित हैं फिर बात करेंगे उड़ीसी की तो उड़ीसी की बात करें नाट्य शास्त्र में उल्लेखित जो ओडरा नृत्य है उसी के ऊपर ये आधारित होता है और कई सारे हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक हैं उनके साथ में परफॉर्म किया जाता है चार्ल्स फैबरी और इंद्राणी रहमान को इसे पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है और इस डांस में जो हमारे युवा लड़के होते हैं वो भी महिलाओं के कपड़ों को पहन करके इसे परफॉर्म करते हैं तो वैष्णव्यूजम यानी कि जो हमारा वैष्णववाद है उससे जुड़ा हुआ ये डांस है और उसी की कहानियों पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है डांसर की बात करें तो हमारा जो उड़ीसी है पंकज चरण दास इसके गुरु हैं इसके जनक भी हैं सोनल मानसिंह हैं मीनाती मिश्रा हैं केलू चरण मोहपात्र हैं सुजाता मोहपात्र हैं माधवी मुद्गल हैं ये सारे हमारे उड़ीसी डांस से संबंधित हैं फिर बात करेंगे कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी की बात करें आपको ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश में जो आपका कुचेलपुरम नाम का गांव है उसी से इस डांस का नाम लिया गया है और ये डांस हमारे भगवत पुराण की कहानियों पर आधारित होता है सत्रहवीं शताब्दी में जो हमारे सिद्धेंद्र योगी साहब हैं उन्होंने इस डांस को पहचान दिलाई थी प्रमुख नर्तकों की बात करें तो सिद्धेंद्र योगी राजा रेड्डी राधा रेड्डी इंद्राणी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति ये सारे जो डांसर हैं वो आपके कुचिपुड़ी से संबंधित हैं अब दो नाम यहाँ पर और ध्यान रखना है एक तो हमारी मृणालिनी सारा भाई हैं जो कि विक्रम सारा भाई जी की वाइफ थी और दूसरी हैं मल्लिका सारा भाई जो कि आपके विक्रम सारा भाई की बेटी हैं मृणालिनी सारा भाई की बात करें तो ये आपके भरतनाट्यम और कथकली की डांसर रही हैं और वहीं पर मल्लिका सारा भाई की बात करें तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के डांसर रही हैं तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है तो इस प्रकार से जो भी आपके क्लासिकल डांस से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को तथ्यों के साथ में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उम्मीद करते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जरूर आप प्रश्नों को सही करेंगे तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत